करते हैं अपना मच्छर मार बनाना, इसके लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वो है नीम। नीम लेंगे, नीम आसानी से मिल जाती है, तकरीबन घरों में लोगों की लगी होती है, कहीं आप बाहर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नीम मिल ही जाएगी, आसानी से मिल जाती है। तो ये नीम जो होती है ये एक रामबाण है मच्छर को भगाने के लिए, बहुत ही फायदेमंद होती है, इससे मच्छर झटपट ही भाग जाते हैं। तो ये हमने नीम ली है, इसको हम पत्ते जो है इसके निकाल लेंगे, इस तरह से मैंने निकाल कर रखे हैं, इस तरह से जो इसके पत्ते हैं इसको इस तरह से हमने निकाल लेना। आप देख रहे होंगे इसके अंदर फूल लगे हुए हैं, ये भी निकाल लेंगे, इस तरह से पत्ते जो है हमने निकाल लेने हैं। थोड़ी बहुत अगर डंडियां भी आ जाती हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से नीम के पत्ते फूल के समेत जो है हमने इस तरह से एक प्लेट भरकर ले लिए। इसके साथ ही हम लेंगे तेज पत्ता, तेज पत्ता भी मच्छर भगाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और इससे झटपट से मच्छर जो है भाग जाते हैं। 4 से 5 जो है हमने ये तेज पत्ते ले लेने हैं, तेज पत्ते भी घर में पड़े होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको हम जो है सबसे पहले करेंगे माइक्रोवेव और इसको पत्तों को कर लेंगे ड्राई, तो इसको माइक्रोवेव में रख देते हैं। तो लीजिए ये माइक्रोवेव से हमने निकाल लिया, पत्ते हमारे जो है अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, हमने इस तरह से ड्राई करने हैं, इस तरह से तोड़े तो ये इस तरह से क्रश हो जाए, क्रिस्पी हो गए इस तरह से। इसी तरह से हम इसको सारी चीज़ों को ड्राई कर लेंगे। इसको अब हम डालेंगे मिक्सी के जार में, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे जिसमें मसाले पीसे जाते हैं, सबसे छोटा वाला लेंगे मिक्सी का जार जिसमें मसाले पीसे जाते हैं और ये इसमें डाल देंगे। हम इतने महंगे महंगे जो है बाज़ार से मॉस्किटो रिपेलेंट खरीदते हैं, हम ऑल आउट खरीदते हैं इतनी महंगी महंगी, जब ये आप एक बार बना लेंगे तो वो खरीदने की आपको बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने महंगे महंगे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में ही बैठे हम खुद बना सकते हैं बिल्कुल बढ़िया सा मॉस्किटो रिपेलेंट। इस तरह से ये हमने इसमें डाल दिया। अब हम लेंगे कपूर, ये वही कपूर है जो पूजा के लिए यूज़ की जाती है, तो ये कपूर लेंगे हम, इसमें जो है 3 डाल देंगे, इसमें 3 टेबलेट जो है इस तरह से कपूर के डाल देंगे, 3 से 4, तो मैं 4 डाल देती हूँ उसमें। ये भी मच्छर भगाने के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से हम पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। इसको हमने ग्राइंड कर लिया, चेक कर लिया, ये देखिए हमने कुछ इस तरह से इसको ग्राइंड करना है, हल्का दरदरा सा। तो ये पाउडर को हम डाल देंगे, कोई भी एक कटोरी लेंगे और उसमें डाल देंगे ये पाउडर। जैसे ही शाम का टाइम गर्मियों में शुरू होता है 6 बजते हैं, साथ ही मच्छर आने शुरू हो जाते हैं, इससे सबसे पहले हमें क्या करना है कि दरवाजे जो है घर के बंद। ये पाउडर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ हमने पाउडर बनाकर रेडी कर लिया, बहुत ही काम का पाउडर है ये। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे कोई भी आपके पास घर में पड़ा हुआ एसेंशियल ऑयल हो, वो इसमें जो है 3-4 बूंदे आप डाल, कोई भी आपके पास पड़ा हो एसेंशियल ऑयल तो आप एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, आपके पास आलमंड ऑयल पड़ा हो तो आप आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने 3-4 बूंदे जो है एसेंशियल ऑयल कोई भी आप खुशबू के लिए डाल सकते हैं। तो वैसे तो कपूर की अपनी ही बहुत बढ़िया खुशबू होती है, तो आप ना भी डालें तब भी चलेगा। इसके अंदर आप डालेंगे सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा और डालेंगे इसमें। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से सारा गीला हो गया ये ऑयल से, थोड़ा सा ऑयल इसमें और डाल लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से हमने इसको जो है मिक्स कर, ध्यान रहे कि हमने इसमें जो तेल डालना है सरसों का तेल डालें, हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि जो हम तेल डालेंगे या तो हम इसमें सरसों का तेल डालें या फिर आप इसमें आलमंड अच्छे से, मैंने इसको 2 मिनट तक इसको मिक्स कर लिया। अब हम लेंगे कोई भी इस तरह से एक दिया, आपके पास ना हो तो आप कुछ भी जिसमें जोत जगाते हैं वो ले सकते हैं उस तरह का, तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने मिक्सचर बनाया ये डाल देंगे इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब, इसको पतला कर लेंगे और इस तरह से हमारी जो है ये जोत बनकर तैयार हो गई। बहुत ही आसान है बनाने, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ये घर पर ही बनाई जा सकती है। तो हम इसको एक उठाएंगे और ये इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, तो हम हाथ से इसको अंदर डाल देते हैं, सारा जो ऑयल है इसके ऊपर लग जाना चाहिए तभी जो है हमारी ये जोत जलकर तैयार होगी। इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल इस तरह से, बिल्कुल हल्का सा डाल देंगे ताकि इसके ऊपर की जो कॉटन है वो गीली हो जाए। हमने तेल के साथ इसको गीला करना है और इसको इस तरह से उठा देंगे, माचिस लेंगे और इस तरह से जगाएंगे। तो जब आप इसको इस तरह से जगाएंगे तो सारे कमरे में आपके जितने भी मच्छर होंगे वो सब मर जाएंगे, मच्छर सब भाग जाएंगे, मच्छर पास नहीं आएंगे, इतना बढ़िया जो है हमारा ये मॉस्किटो रिपेलेंट बनकर तैयार हुआ है। बाजार से आपको लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है लाइक का बटन दबाएं, खूब शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।